स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और जैसा कि आपने पिछली बार देखा था कि हमने जो है गाइस डंजन किया था और डंजन से जो है मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न के इम्प्लांट्स लेके आए हुए हैं बहुत सारे। तो गाइस डंजन की वीडियो आपको कल मिलने वाली है क्योंकि आज जो है मैं डंजन कर नहीं पाया जिसकी वजह से गाइस मुझे जो है रिकॉर्ड करने में टाइम लग गया। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं डंजन डाइनो आई मीन यूनिकॉर्न को रिवाइव करके टीम करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि यूनिकॉर्न को कैसे टेम किया जाता है तो आज हम लोग वो भी सीख लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तब तो अच्छी बात है गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको यूनिकॉर्न को टेम करने के लिए ग्रिफिन केबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ग्रिफिन केबल्स हम लोग जो है बनाने वाले हैं रेप्लिकेटर क्या नाम है उसका केबल प्रोसेसर में। और उसके लिए हमें कुछ केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे में बड़े वाले केबल्स कर्जल केबल्स हो सकता है और साथ ही साथ हमारा ब्रोंटो केबल भी हो सकता है। तो कर्जल केबल ले लेता हूँ यहाँ पे। और राइट सो आई थिंक इतना इनफ होगा। और साथ साथ हमें कुछ एरी एलिमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें 2-3 ग्रिफिन के इम्प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ले रखी है, ग्रिफिन इम्प्लांट्स वगैरह मेरे पास है तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ सब चीज़ें। चलिए कुछ केबल्स बनाते हैं। पहले ग्रिफिन केबल्स ही हमें उसको टेम करने के लिए हमारे यूनिकॉर्न को। तो यहाँ से हम लोग केबल्स बनाते हैं। सो केबल्स के लिए यहाँ पे मैं कर्जल के सारे केबल्स इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन से केबल्स देने पर कितने केबल्स लगेंगे तो मैंने उसकी भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है ग्रिफिन केबल्स की, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, रेसिपीज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ मरे हुए ग्रिफिन्स के इम्प्लांट्स हैं, इन सभी को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। ऑलराइट सो आई थिंक इतना ही मेरे पास यहाँ पे भी है, चलिए इसको भी दे देता हूँ। और कोई नहीं और ऑलराइट सो इतना ही मेरे पास इम्प्लांट्स है, 4 इम्प्लांट्स है, 4 ग्रिफिन केबल्स आई थिंक बन जाएगा। प्रोसेस करते हैं, देखिए 1 ग्रिफिन केबल्स इन सभी को भी बना देते हैं, 2-3 ऑल राइट गाइस। तो 4 ग्रिफिन केबल्स हमारे पास हो गए, देयर वी गो, 4 ग्रिफिन केबल्स हमने बना लिया। इसको इन्वेंटरी में रख लेते हैं। ऑल राइट और अभी हमें चाहिए 1 10 टाइम स्मूदिंग ब्लेम, तो स्मूदिंग ब्लेम भी ले लेते हैं हम लोग। सो मैंने इससे पहले कभी ग्रिफिन को टेम वगैरह नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है टेमिंग ग्रिफिन का। तो यहाँ से स्मूदिंग ब्लेम ले लेते हैं। ऑल राइट इसको भी इन्वेंटरी में रख लेते हैं। चलिए अभी हमें रिवाइव करना है यूनिकॉर्न को, तो हम लोग 2 यूनिकॉर्न रिवाइव करके टीम करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं 1 ही यूनिकॉर्न रिवाइव करूँगा, चेक करते हैं कैसे टीम कर सकते हैं इसको पहले। तो ऑल राइट ओके, तो यहाँ पर यूनिकॉर्न दिख रहा है, इसको मैं रिवाइव करता हूँ। जैसे ही ये रिवाइव होंगे भागेंगे बहुत तेज़ी से, तो हमें इसे जल्दी से जल्दी टेम करना है। ऑल राइट सो फीड करते हैं इसको। नहीं, ग्रिफिन केबल्स मैं खुद कंज्यूम कर गया, गलत सी। सो इसने नोटिस कर लिया आई थिंक हमें इसलिए, मगर इसको टेम कैसे करेंगे। सो ये गलत हो गया सीन हमारे साथ। मैंने ग्रिफिन केबल खुद कंज्यूम कर दिया। लेट्स सी अगर ये फंसा हुआ है तो इसे टेम कर सकते हैं। नहीं, ये जब तक हमें नोटिस करेगा तब तक हम लोग आई थिंक इसको टेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गलत सीन हो गया हमारे साथ अब तो। अभी सस्ती से चीज़ यूज़ करते हैं, लेट्स सी अगर ये काम आ जाता है तो। और राइट इसको चैन पहना देते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना है हमारा ग्रिफिन कहीं चला वो क्या कहते हैं हमारा ये यूनिकॉर्न कहीं चला ना जाए। मैं एक बार गेम को रीस्टार्ट करता हूँ गाइस ताकि जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे गेम को मैंने कर लिया रीस्टार्ट। वो देखिए सामने हमारा यूनिकॉर्न है जो कि नॉर्मल हो चुका है। अभी हम लोग जल्दी से पास में उसके जाने की कोशिश करते हैं और फिर से टीम करने की कोशिश करते हैं। स्मूदिंग ब्लेम यूज़ ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों हो गया। चलिए ऑल राइट सो फाइनली टीम हो गया। मतलब वैसे तो टीम नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और टीम भी नहीं होता, मुझे पता है। तो 1 ग्रिफिन केबल्स में ये टीम हो गया, 2 ग्रिफिन केबल्स पड़े हुए हैं हमारे पास और जो कि हम लोग इसे बाद में यूज करने वाले हैं। तो
तो यहाँ भी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये ग्रिफिन यूनिकॉर्न का ये हमारा ये एग है, अरे एग कह रहा हूँ सॉरी, पूप है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में इसको यूज करने वाले हैं। मैं बताऊँगा, किसी ने मुझे बताया कि हम लोग जो है कैंडी का बीपी बना सकते हैं, इसलिए जो है मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो अभी आपने देखा कि हमारे पास आ चुका है यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न हमने इजीली टेम कर लिया। सो ये वाला ट्रिक मुझे ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं इसको राइड करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए। ऑलराइट, सो ग्राफिक यहाँ पे ग्राफिक को मैं इपिक में कर देता हूँ, और अच्छा दिखेगा आपको। देयर वी गो गाइस, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसे टेम करके। मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको, और साथ साथ टेम करने की भी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर दें। और भी वीडियोज़ के लिए, मज़ेदार वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है बहुत सारी और भी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं सोच रहा इसको एक गोल्डन चैन भी दे देता हूँ। गोल्डन चैन, गोल्डन चैन, गोल्डन चैन, जल्दी से गोल्डन चैन देते हैं इसको, देखते हैं कैसा लगता है। ऑलराइट, देयर वी गो गाइस, चैन तो देख ही नहीं रहा, ग्लिच है क्या ये चैन, आधा अंदर आधा बाहर दिख रहा। आई थिंक ये गोल्डन चैन थोड़ा सा ग्लिच वगैरह है। चलिए अभी ठीक ही ठाक दिख रहा।